नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। फेमिना मिस इंडिया 2024 के विजेता की घोषणा की जा चुकी है। इस बार मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। निकिता अब मिस वर्ल्ड कंपटीशन को रिप्रेजेंट करेंगी। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विनर रह चुकी नंदिनी गुप्ता ने निकिता को ताज पहनाया है। आपको बता दें, ये आयोजन मुंबई के बरली में हुआ है। सूबे के उज्जैन जिले की रहने वाली निकिता पोरवाल एक पेट्रोकेमिकल व्यवसायी अशोक पोरवाल की बेटी है। मम्मी पापा की लाडली और मिस इंडिया बन चुकी निकिता पोरवाल ने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग में ली है। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ड्रामा में की है। वैसे निकिता के शौक की बात करें तो उन्हें पढ़ने लिखने, पेंटिंग करने के साथ साथ फिल्में देखने का बेहद शौक है। आपको बता दें कि फेमिना मिस इंडिया में 30 राज्यों के विनर ने पार्टिसिपेट किया। निकिता ने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल स्टेजेस पर ड्रामा प्ले भी किया है। निकिता के लिखे ड्रामा में 250 पेज की कृष्ण लीला भी है। निकिता होस्टिंग के अलावा फिल्मों में भी काम कर चुकी है। उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में है, जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। फिल्म का टाइटल चंबल पार है। निकिता पोरवाल ने महज 18 साल की उम्र में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत कर दी थी। इतनी सी उम्र में ही वो एक टीवी शो की होस्ट बन गई थी। मजे की बात यह है कि निकिता एक कमाल की लेखिका भी है। उन्होंने कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज के लिए ड्रामा लिखा है, जिसमें 250 पन्नों की कृष्ण लीला भी शामिल है। निकिता सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती। इंस्टाग्राम पर भी उनके सिर्फ 5,000 फॉलोवर्स हैं। लेकिन अब इतनी कम उम्र में निकिता की मेहनत रंग लाई है और रातों रात निकिता सोशल मीडिया ही नहीं पूरे देश की धड़कन बन गई है। उन्हें हर कोई जानने लगा है। निकिता पोरवाल का ये सफर हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुका है।